झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने पेसा अधिकार यात्रा निकाली और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। पेसा अधिकार यात्रा मोरहाबादी से शुरू होकर कचहरी रोड, लालपुर चौक होते हुए बिरसा समाधि स्थल तक पहुंची। यात्रा में अविनाश पांडे ने कहा कि 1996 में पेसा कानून बनाया गया और हमारा संदेश है कि इसे लागू किया जाए, इससे पंचायती राज को मजबूती मिलेगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि यह यात्रा एक संदेश दे रही है कि शेड्यूल एरिया को लेकर कांग्रेस ने क्या क्या किया है। पंचायती राज को मिलेगी इससे मजबूती, पेशा यात्रा निकालेगी कांग्रेस की पेशा अधिकार यात्रा। पेशा लागू करने की मांग कांग्रेस के द्वारा, जहां राजेश ठाकुर ने कहा कि यात्रा एक संदेश दे रही है कि शेड्यूल एरिया को लेकर कांग्रेस ने क्या क्या किया है। हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो आदिवासी समुदाय है, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं, इन सब चीजों को भी ससम्मान, और ये बिल विशेष रूप से पंचायती एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, जो पेशा का एक्ट जो बनाया गया है, तो शेड्यूल एक्ट के तहत उन्हें विशेष अधिकार देकर वहाँ की व्यवस्था को, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको विशेष अधिकार, एक मजबूती प्रदान करने का कार्य इस पेशा से किया गया है। उसको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि पेशा कानून झारखंड की सरकार ने उसकी नियमावली को मान्यता दी है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, और इस नियमावली को वास्तविकता में जमीनी स्तर पर सही रूप में अमल करने का उद्देश्य इस यात्रा के माध्यम से एक धन्यवाद, एक आभार व्यक्त करना है सरकार को, और साथ ही साथ इसको सही रूप में अमल करने के लिए जल्द से जल्द इसे अमल किया जाए, ताकि झारखंड की हमारी आदिवासी जनता समुदाय इसका फायदा ले सके। जिस तरह से 1996 में हम लोगों ने इस कानून को लाने का काम किया और इतने वर्षों के बाद भी वो कानून जमीन पर नहीं उतर पाया, जिसके कारण अब हम ये समझते हैं कि जरूरत बन गई है पेशा, और जिसको हमारी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है वो जमीन तक पहुंचे पेशा का कानून, उस निमित्त हम लोग आज पेशा अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, साथ ही साथ आभार भी व्यक्त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।